अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? जन्नत टिप्स एंड ट्रिक्स में आप लोगों को खुशामदीद कहती हूं। तो आप लोगों की बेहद फरमाइश पर मैंने वैक्स पुल जो शाइनर होता है या फिर क्रीम होती है जिससे हमारी गाड़ियां, टायर सब जो चमक जाते हैं, डैशबोर्ड वगैरह, तो आज मैंने उसकी एक फॉर्मुलेशन बनाई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये मैंने ले लिया है, जार ले लिया है यानी पानी के लिए, और इसके अंदर बनाएंगे हम कि जल्दी से इसके अंदर फेंटने में आसानी हो जाती है। इस तरह का कोई जग वगैरह ले लेंगे तो आप। और इसमें मैं सबसे पहले मैंने सिलिकॉन ऑयल लिया है जो फर्स्ट पे था, और ये सब वाइट ही हैं। और एक मैंने लिया है सिलिकॉन इमल्शन और एक थिकनर पाउडर लिया है। तो इसी तीन इंग्रेडिएंट से बनेगा ये। तो सबसे पहले हम सिलिकॉन ऑयल लेंगे, सिलिकॉन ऑयल तो ये हमारा मेन इंग्रेडिएंट है। ये मैंने 100 ml लिया है। तो ये दोनों चीज़ें हम 100 ml लेंगे, सिलिकॉन ऑयल और सिलिकॉन इमल्शन। तो ये दोनों चीज़ें हम मिला के इसको हमें खूब फेंटना है, अच्छी तरीके से फेंटना है कि ये एक बिल्कुल एक जान हो जाए और बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। तो ये है सिलिकॉन इमल्शन। तो सिलिकॉन इमल्शन ज़्यादा सस्ता है, ये तकरीबन 125 ग्राम मैंने लिया था 70 रुपये का। और सिलिकॉन जो ऑयल है जो मैंने फर्स्ट में डाला था वो मैंने लिया है तकरीबन 200 रुपये का 125 ग्राम। तो जो मैंने लिया है होलसेल शॉप से लिया है। आप अगर रिटेलर से लेंगे तो पता नहीं कितने का मतलब प्राइस होंगे इसके, लेकिन ये कि मैंने जो होलसेल रेट आपको बताया, मैं होलसेल रेट से शॉप से लेती हूँ जहाँ सारे केमिकल्स मिलते हैं। तो वहाँ पे मैंने 125 ग्राम लिया था और 25 ग्राम बच गया। मैंने 100 ml यूज़ करा है। और इसको मैं अच्छी तरीके से चम्मच की मदद से खूब मिलाऊंगी, खूब फेंटूंगी इसको, इतना फेंटूंगी कि ये एक जान हो जाएगा और एक अच्छा सा हमें फार्मूला मिल जाएगा बहुत ज़बरदस्त सा, क्योंकि हमें इसकी मिक्सिंग अच्छी सी करनी है। जितनी हम अच्छी मिक्सिंग करेंगे जब हम पानी मिलाएंगे तो ये एक अच्छा सा प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाएगा। तो इसको खूब अच्छी हमें फेंटना है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त बना था, इसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा आया है। और इसको आपको इतना सारा बन के रेडी हो जाएगा कि ये आपका अच्छा खासा चल जाएगा। जब भी आप गाड़ी को अपनी वॉश करवाएंगे या अगर मिट्टी वगैरह हो जाती है तो हम उस पर शाइनर वगैरह लगाते हैं तो हमारी गाड़ियाँ, डैशबोर्ड वगैरह सब चमक जाते हैं। अच्छा, तो मैंने पानी इसमें जो यूज़ करा है वो मैंने यूज़ करा है 725 ml। तो 725 ml आप नाप के ले लें पानी, और ये मैं इसको खूब डालती रहूँगी और फेंटती रहूँगी। जब आपको पानी, जब इसमें पानी डालेंगे तो आप इसको चम्मच चलाते रहना है, हमें रोकना नहीं है बिल्कुल भी, उसको खूब हिलाना है ताकि ये इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये लिया है मैंने थिकनर पाउडर। तो ये किस कहीं पाउडर में फॉर्म में मिलता है और कहीं ये लिक्विड फॉर्म में मिलता है। तो मुझे यहाँ पर हैदराबाद में मुझे ये थिकनर जो है, थिकनर पाउडर ये मुझे मिला है इसके अंदर पाउडर फॉर्म के अंदर। तो ये मुझे इसमें ऑयल मैं लिक्विड फॉर्म में ढूंढ रही थी लेकिन ये पाउडर फॉर्म में था, तो उन्होंने बोला ये वही वर्क करेगा जो लिक्विड वाला करता है। तो ये मैंने इसके अंदर तकरीबन लिया है 12 ग्राम लिया है मैंने इसके अंदर पाउडर को, और इसको मेरे खूब चलाना है, इतना चलाना है कि ये क्रीम बनके रेडी हो जाए। इतना फेंटना है इसको ना, हमें फेंटते हैं जैसे हम अंडा फेंटते हैं, इस टाइप से हमें फेंटना है इसको। और काफ़ी मैंने वीडियोस थोड़ी फास्ट कर दी ताकि ये जल्दी जल्दी हो जाए। और मैंने तकरीबन इसको 5 मिनट तकरीबन फेंटा होगा, 5 से 6 मिनट या 7 मिनट तक। तो अच्छी तरीके से मैंने इसको फेंटा है ताकि एक क्रीम बन के रेडी हो जाए। और शाइनिंग से बहुत अच्छी शाइनिंग आ रही है गाड़ियों पर और टायर के ऊपर। तो मैं आपको डेमो नहीं दिखा सकी, लेकिन ये कि इसको मैंने जब यूज़ करा, जब मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि इसको यूज़ करें, तो ये बहुत अच्छा इसने रिज़ल्ट दिया। कार के ऊपर भी, डैशबोर्ड वगैरह सब चमक गए थे इससे, जितने भी आइटम होते हैं अंदर कार के जो पार्ट्स होते हैं उसके ऊपर आप लगाएं तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। और ये बहुत सस्ता पड़ा है, तो तकरीबन समझ लें ये 200 और ये 270। और ये जो थिकनर पाउडर मैंने लिया है, ये मैंने 1 पाव लिया था क्योंकि इसकी क्वांटिटी कम नहीं दे रहे थे, तो 250 ग्राम उन्होंने मुझे दिया है तकरीबन 350 रुपये का, जो काफ़ी बार मुझे इस्तेमाल में आ सकता है। जब भी मैं बनाऊंगी अच्छी खासी, तमल्लो साल भर के लिए एक ही बार लिया है और काफ़ी मरतबा डलेगा। तो 10 ग्राम, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर लगा हुआ है बॉक्स में, एक मैंने बॉक्स ले लिया है। पहले मैंने घर में बना के देखा था इसको कि कैसा रिज़ल्ट आया इसका, फिर मैंने आप लोगों से शेयर करा, इसलिए थोड़ा सा पहले मैंने बना के चेक करा था। तो ये देखें, पूरा इतना बड़ा मेरा जार है, ये अच्छा खासा तकरीबन आधा किलो से भी ज़्यादा का ये मेरा जार फुल हो गया था। और बहुत सारी ये क्रीम बन के, जो कंडीशन क्रीम कहते हैं इसको, एक चमक के लिए गाड़ियों पे, तो ये अच्छी खासी चमक के लिए ये तैयार हो गई बन के। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, आप लोग इसको शेयर करें, लाजमी शेयर करें। और प्लीज़ अगर मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो ये देखिए, मैंने सारी इसमें से निकाल ली है बिल्कुल अच्छी तरीके से स्पैचुला की मदद से। और इसके अंदर मैं फ्रेग्रेंस भी मैं थोड़ी सी इसमें ऐड करूँगी।
तो मेरे पास अच्छी सी एक कम्फर्ट की जो फ्रेगरेंस रखी थी मैंने वही इसमें शामिल कर दी, क्योंकि उसकी स्ट्रॉन्ग खुशबू थी, तो मैंने इसमें थोड़ा ज़रा सी बस मैंने 2-3 ड्रॉप्स में शामिल कर दिए थे, मिला लिए थे। तो अगर आपके पास कोई फ्रेगरेंस वगैरह तो आप भी इसमें शामिल कर सकते हैं। तो ये देखें बन के इतनी सारी हमारी शाइनर क्रीम रेडी हो गई। तो इसको कंडीशनर भी बोलते हैं गाड़ियों के लिए, तो बहुत ज़्यादा बन गया है अच्छा खासा और बहुत काम आने वाली चीज़ें। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।